इसके साथ साथ IEEE की एग्जीबिशन के अंदर जो है डिफरेंट सेमिनार्स भी कंडक्ट किए गए, डिफरेंट पैनल डिस्कशंस कंडक्ट किए गए, और मैंने पर्सनली जो सेमिनार पैनल डिस्कशन अटेंड किया वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, और जिसके अंदर मैंने डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से कुछ अपने कंसर्न्स शो किए अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस वक्त किस किस्म के मामला जो है इस वक्त टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो फेस कर रही है, जिस पर डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने क्या जवाब दिया उस पर जवाब। सर मैं डॉक्टर इख्तियार बेग साहब और मेरे सीनियर हैं, बॉस भी हैं मेरे और पहचानने वाले सब। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त आपका ताल्लुक हुकूमत वक्त से है, और जैसे कि हमने देखा कि जो जीरो रेटेड सेक्टर्स जो थे, जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स टेक्सटाइल कारपेट लेदर पॉली सब, वो ख़त्म कर दिए गए थे, फिर उनको पार्शली बहाल किया गया कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में प्रीवियस गवर्नमेंट। सर इस हवाले से आपका क्या राय अमल है, अब क्या आप सजेस्ट करते हैं या प्रपोज करते हैं? दूसरा सवाल सर, प्रीवियस गवर्नमेंट में हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो थी, उसकी डिस्टिंक्ट जो एक पोजीशन थी वो ख़त्म करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में सम कर दिया गया। सर मैं ही कहूँगा कि सर इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अब उसके कॉमर्स डिवीजन का, कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक डिवीजन बना दिया गया है, तो सर आपके ख्याल में क्या ये सही कदम है या इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए? नहीं, टेक्सटाइल के सेपरेट गिलानी साहब के वक्त में मिनिस्ट्री की थी, फिर मैं उनका एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल लगाया गया था, फिर टेक्सटाइल ने माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ दिखाई। अब ये पिछली हुकूमत ने टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री ख़त्म करके टेक्सटाइल को कॉमर्स में जम कर दिया, और एक डिपार्टमेंट, शर्म और अफसोस आता है कि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हर महीने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से मिलता है, हर महीने वो परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करते हैं, मसाइल भी डिस्कस करते हैं, और पॉलिसियों में जो तब्दीली वगैरह की जरूरत है वो करवा के और ऐलान करते हैं। 55% एक्सपोर्ट आपकी टेक्सटाइल सेक्टर से आती है, आपने उसकी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, तो ये बड़ा अहमिया है, आप सही कह रहे हैं। पहला सवाल क्या था आपका? सर जीरो रेटेड सेक्टर की बात थी, और दूसरा वो पांच सेक्टर थे जी सर जो जीरो रेटेड थे, जिन पर सेल टैक्स किया हुआ था, क्योंकि सेल टैक्स 17% लगाते थे किसी एक्सपोर्ट पे, तो पता चला 5-6 महीने में 8-10 करोड़ रुपये सेल टैक्स का बच जाता था, इतना ही वर्किंग कैपिटल होता था ना, तो वर्किंग कैपिटल से वो पैसे घुस गए, और अब आपके पास कॉटन देने के लिए पैसा नहीं है, डाइस केमिकल्स के लिए, तो उन्होंने ख़त्म किया था। अब दोबारा उन्होंने आईएमएफ पे क्रेडिट पर लगा दिया कि वो किसी सेक्टर पर एग्जम्पशन नहीं देना चाहते। अब उन्होंने एक सिस्टम बनाया है इसके रिफंड का, फास्टर सिस्टम इसको कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, और जो छोटे एक्सपोर्टर हैं वो फास्टर के तहत अभी नहीं आए हैं, तो अभी की चीफें अपनी जगह पर। मैं समझता हूँ कि जो सेल टैक्स आप ले रहे थे उससे ज़्यादा रिफंड कर रहे हैं आप, तो इसको जीरो रेटेड कर देते आप तो अच्छा था। वेल हुकूमत इससे पहले वाली हुकूमत ने बजट में लगाया था, लेकिन पीछे बैक।